اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد <coughs> <coughs> اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم <coughs> हजरत काब बिन मालिक रज़ी तह का बयान जारी है और आज अल्लाह के फल से ये छठा रोज है जिसमें हम इस लंबी हदीस का की तदरीस मुकम्मल कर रहे हैं इसमें उन्होंने बयान किया आखिर में सारा वाक़ बयान करने के बाद कि सूरह तोबा में की आयात में इसी वाक़े की तरफ इशारा है जो मेरे साथ पेश आया इन आयात का तर्जमा इस तरह पर है कि अल्लाह ताली महाजरीन और अनसार पर जिन्होंने तंगी की घड़ियों में आपकी पैरवी की और सदको सदको शफा का मुजाहरा किया रजूब राहमत हुआ और उन तीन पर भी जो पीछे रह, रहने दिए गए थे यहाँ तक कि इस पादाश में ज़मीन बावजूद फ्राख़ी के उन पर तंग हो गई और फिर ए, इन आयात में इतकुल्ला वकून मसदीन तक का मजमून इसी बारे में है यही मजमून चलता है अदरत का बिन मालिक ये भी कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ताला का ये सबसे बड़ा फजल था कि उसने मुझे सच बोलने की तोफ़ी दी और इस बरकत की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाई और मैं हज़ूर सल्ला वसलम के सामने झूठ बोलने के गुनाह से बच गया देखें किस तरह इखलास के साथ उन्होंने अल्लाह ताला इस के इस फज़ल का जिक्र किया शक्र नेमत के तौर पर कि अल्लाह ताला ने मुझे सच बोलने की तौफीक दी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठ बोलने का मैंने इरतक नहीं किया मज़ीद कहते हैं कि अगर मैं झूठ बोलता तो मैं भी उन्हीं लोगों की तरह हलाक हो जाता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठ बोलकर हलाक हो गए उन लोगों के मतलब अल्लाह ताला ने जो वही नाजिल की उससे उन झूठों के बुरे अंजाम का पता चलता है जबकि अल्लाह ताला ने फ़रमाया फिर आयत करीमा का तर्जमा है कि ये लोग अल्लाह ताला की कस्में खाएँगे ताकि जब तुम वापस लौटो तो उनसे दरग दरगुजर करो बस उनसे दरगुजर बेशक करो लेकिन वह नजस् लोग हैं गंदे लोग हैं और उनका ठिकाना जहन्नम है ये उनके अपने किए की सज़ा है वो तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं ताकि तुम उनसे राज़ी हो जाओ अगर तुम उनसे राज़ी भी हो जाओ तो अल्लाह ऐसे फासिक लोगों से कभी राज़ी नहीं होगा हदरत काबिन मालिक मज़ीद कहते हैं कि पीछे रहने वालों में हम सिर्फ तीन लोग थे जिनको सज़ा मिली बाकी पीछे रहने वालों का तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़र कबूल कर लिया था जबकि उन लोगों ने कसमें खा खा कर खा खा कर माजरत की और माफ़ी तलब की <स्यूंग> लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मुतलक कोई फ़ैसला ना दिया था और अल्लाह ताला की वही तक उसको मुलतवी रखा था यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने वो फ़ैसला दिया यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने वो फ़ैसला दिया जिसमें हमारे लिए बरकत ही बरकत थी फरमाया अल्लाह ताला अल्ल तनायात का तर्जमा यह है कि उन तीन पर भी अल्लाह ताला रुजू बरहमत हुआ जो पीछे रह रहने दिए गए यानी उनका मामला अल्तवा में डाला गया था मौखर कर दिया गया था दरअसल इस आयत में ग़ब्बे से हमारे पीछे रहने का ज़िक्र नहीं बल्कि हमारे मामले का अल्तवा और उसे पीछे डालना मुराद है और इन दूसरे लोगों से मुख्तलिफ सलूक का जिक्र है जिन्होंने आपके सामने कस्में खाई और जंग तवूक में शामिल ना हो सकने के उज़र पेश किए जिनको हज़ूर सल्ला वसम ने कबूल फरमा लिया <coughs> ये जिक्र करने के बाद वो एक और बात का इजाफ़ा करते हैं और इस रवायत में यह भी आता है कि रसूल मकबूल सल्हुह व का तरीक़ मुबारक ये था कि आप बिलूम जुमेरात के दिन के दिन सफ़र शुरू फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जम्रात के दिन सफ़र करने को बहुत पसंद करते थे हज़ूर वसल्लम जब भी सफ़र से वापस आते तो चाश्त के वक्त शहर में दाखिल होते थे यानी तलुआ आफ्ताब से लेकर निसफ नहार के दरमियान का जो वक्त है उसमें शहर में दाखिल होते ताकि ये बात अहले खाना के लिए बासी आराम हो और उन्हें भी तैयारी का मौका मिल सके और हज़ूर सल्ला वसम जब भी आपकी सुनत मतहरा ये थी कि आप जब भी सफ़र से वापस आते तो चाश्त के वक्त शहर में दाखिल होते सबसे पहले मस्जिद में जाते वहाँ दो रकत नमाज़ पढ़ते और कुछ देर बैठते बैठने के बाद फिर अपने घर में तशरीफ़ ले जाते थे इस सारी रवायत के बयान करने का बाद मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ के छः दिनों में जो दर्स कवर हुआ हज़रत का बिन मालिक की बड़ी ही ईमान अफरोज़ रवायत जो उन्होंने बयान की ये एक लंबी दिल और नहाय ही ईमान अफरोज हदीस है जिससे हमें मुख्तलिफ इसबाक मिलते हैं कौन से असबाब मिलते हैं चंद एक अमूर का मैं ज़िक्र करता हूँ नंबर एक ये कि अल्लाह और उसके रसूल और उसकी तरफ और इसी तरह खलीफा वक्त की तरफ से जब भी कोई हिदायत या नसीहत की जाए तो उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए ऐसा न करने से ऐसा न करने से बसाओकात इंसान उस नेकी से महरूम हो जाता है जैसा कि इस हदीस में ज़िक्र हुआ है नंबर दो जब भी नेकी करने का कोई मौका मिले तो उसके करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए बसाओक़ात इंसान सोचता है कि बस ये नेक काम तो है मैं आज कर लूँगा या कल कर लूँगा लेकिन ऐसा करते करते बाज़ात वो मौका हाथ से निकल जाता है और तीसरी बात यह कि अगर कोई इबला पेश आए तो उस पर बहुत इस्तफ़ार करना चाहिए और अल्लाह ताला से सवात कदम की दुआ करते रहना चाहिए और हमेशा सच्चाई से काम लेना चाहिए चौथे ये कि बाजा मुश्किल में घिरे हुए आदमी को मुख्तफ़ लोगों की तरफ से खास राह हमदर्दी ही क्यों ना हो बसाओक़ात गलत मशवरे दिए जाते हैं मुख्तलफ बातें उसे पढ़ाई जाती हैं या सिखाई जाती हैं इन हालात में नहायत एहतियात से काम लेते हुए सच पर कायम रहना चाहिए और कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए फिर ये बात भी हमारे लिए सबक का मूजब है कि बाज़ सज़ा याफ़्ता लोगों को दुनियावी बातों का लालच भी दिया जाता है बहुत बातें उनको बताई जाती हैं कि अगर तुम ये कर लो तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा ये फ़ायदा होगा ये दरअसल उनके लिए एक इम्तिहान होता है ऐसे वक्त में मजबूती से कायम रहते हुए उन बातों को सख्ती से रद्द कर देना चाहिए जैसे हज़रत का बिन मालिक की रवायत में नमूना मिलता है कि जब एक बादशाह ने उन्हें अपने यहाँ जाने की दावत दी और बड़े इज्जत इकराम का वादा किया तो हजरत काब बिन मालिक ने समझा यकीन ये मेरे लिए एक इब्तः है उन्होंने उसका ख़त लिया जो एलची लेकर आया था और एक जलते हुए तंदूर में डाल दिया कि यह है इसका जवाब जाकर बता देना फिर एक और बात जो हम इस सदी से खज कर सकते हैं वो ये है कि दीनी रहन या नज़ाम जमात की तरफ से जो भी हिदायत दी जाए उस पर सिद दिल से अमल किया जाए इस सिलसिले में कोई रिश्तेदारी या दोस्ती वग़ैरह आड़े नहीं आनी चाहिए और झूठ के ज़रिए से बच निकलने की कोशिश हरगिज़ न की जाए इस सदी से एक बहुत बड़ा सबक़ यह भी मिलता है कि हमेशा झूठ से कुल यातान इजतनाब करना चाहिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है वजताने वो कौलजूर थे तुम झूठी बात से हमेशा बचते रहा करो तो झूठ हकीक़त में सब बुराइयों की जड़ है और सच्चाई ही एक मोमिन के लिए कामयाबी का ज़रिया है अल्लाह ताला हम सब को सबात कदम की दौलत ता फरमाए और आखिर दम तक सरात मुस्तकीम पर कायम रहें अल्लाह ताला अपने फ़सलों से हमेशा नवाजता रहे और जो सबक हम इन हदीसों से जो रसूल पाक वसल्लम ने बयान फ़रमाई हैं हासिल करते हैं इनको हमेशा मलहू ख़ातिर रखने की तोफ़ी मिले अल्लाह मसल मोहम्मद मुबारक वसलम